हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस बाय मलिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर टू केमिस्ट्री का, क्लास नाइन्थ का। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या जो मैटर हमारे आसपास है वो प्योर है? ठीक है, और हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम सिंपल पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मैटर के बारे में, मिक्सचर और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं वो पढ़ेंगे, ऑप्टेनिंग कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैकिंग, किस तरह से हम कलर कंपोनेंट को ऑप्टेन करते हैं ब्लू या ब्लैकिंग से, किस तरह हम क्रीम को सेपरेट करते हैं दूध के अंदर से, किस तरह हम अलग करते हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स को जो मिक्स नहीं होते एक दूसरे के अंदर, और किस तरह हम अलग करेंगे नमक को और अमोनियम क्लोराइड को। चैप्टर शुरू होने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कि डाई को सेपरेट करना ब्लैक इंक से, सेपरेट करना मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड जो मिक्स हो जाते हैं ऐसो को भी, ऑप्टेन करना अलग अलग गैसेस एयर से, ऑप्टेन करना प्योर कॉपर सल्फेट इम्प्योर सैंपल से, फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस के, और मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में हम डिफरेंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या जो मैटर है हमारे आसपास वो प्योर है? अब मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जिसमें हमारा मास होता है और वो जगह ऑक्यूपाई करती है वो मैटर होती है। चैप्टर फर्स्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था पंच तत्व। और मैटर जैसे कुछ भी हो सकता है, हमारी कुर्सी भी मैटर हो सकती है, ठीक है, हमारी हवा भी मैटर हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो मैटर हैं क्योंकि उसमें मास है और वो जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना सही बताया गया, कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसमें मास हो उसे बोलते हैं मैटर। मैटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या है? इसमें सिंगल तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिनका केमिकल नेचर भी क्या होता है, सेम होता है। तो एक ही तरह के अगर पार्टिकल्स हैं और उनका केमिकल नेचर भी सेम है तभी हम उसको जाके क्या कहेंगे, प्योर बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे आप दूध बोल सकते हो, एग्जांपल मैं ऐसी सिंपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अगर उसमें पानी मिला देंगे वो इम्प्योर हो जाता है। तो प्योर चीज़ क्या होती है? जब उसमें एक तरह के पार्टिकल होते हैं। फिर है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर दो और दो से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो और दो से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। अब मिक्सचर और उसके टाइप्स हैं। मिक्सचर जो है मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस से बना होता है जिसको हम आसानी से फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर को हम हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। अब होमोजीनियस मिक्सचर का अगर मैं पहले आपको एग्जांपल बताऊं, तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है जैसे हम पानी में चीनी को घुल देते हैं तो वो चीनी घुल जाती है, तो वो है होमोजीनियस मिक्सचर। अब बताते हैं सेकंड वाला हेटरोजीनियस का एग्जांपल। हेटरोजीनियस का एग्जांपल क्या है हमारा? जैसे हम पानी के अंदर रेत को घोलते हैं तो वो रेत क्या है, मतलब पानी के अंदर अगर रेत डालेंगे तो वो रेत घुलेगी नहीं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं पानी और हवा का मिक्सचर हो गया, पानी और रेत का मिक्सचर। ऐसे ही एयर, एयर क्या है हमारी? बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी है तो वो प्योर नहीं है, वो एक तरह से मिक्सचर है, और वो भी मिक्सचर कैसा है, हेटरोजीनियस वाला। तो होमोजीनियस मिक्सचर की डिफाइन क्या है? एक मिक्सचर को होमोजीनियस कहेंगे अगर जितने भी कंपोनेंट हैं मिक्सचर के यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हों और कोई भी बाउंड्री ना हो उनके सेपरेशन की, मतलब मिक्स हो जाए यूनिफॉर्मली जैसे चीनी पानी में मिक्स हो जाती है और कोई भी सेपरेशन की बाउंड्री ना हो उसमें। और हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या है? अगर जितने भी कंपोनेंट हैं मिक्सचर के यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो, जैसे पानी में रेत कभी मिक्स होती नहीं, और विजिबल बाउंड्री हो सेपरेशन की उनके बीच में। तो ये तो आ गया मिक्सचर। अब सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, वो भी किसका? दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। सब्सटेंस दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे लेमनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, एक्सेट्रा। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। होमोजीनियस का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का एग्जांपल हमने पढ़ा था शुगर इन वाटर, ठीक है। तो चीनी को हम पानी में मिलाते हैं तो यहाँ पे जो चीनी है हमारी वो है सॉल्यूट क्योंकि वो कम मात्रा में है, और जो पानी है हमारा वो है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो कम मात्रा में होता है,
और सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो सॉल्वेंट हो गया जैसे पानी, तो जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो डिजोल्व करता है दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर, क्योंकि पानी का काम क्या है, चीनी को घोलना अपने अंदर, तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में हो। और सॉल्यूट क्या होता है, जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में घुले, और घुलता कौन है, चीनी घुलती है पानी के अंदर, मतलब जो लेसर क्वांटिटी में हो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो कोई भी एग्जांपल हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर का हम ले सकते हैं। अब सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट पॉइंट होमोजीनियस मिक्सचर है, जैसे हमने बताया सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे होते हैं और 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 10^9 से, इतने मीटर छोटा, मतलब 10^-9 मीटर डायामीटर होता है उनका। कि पार्टिकल ज़्यादातर कैसे होते हैं स्फेरिकल, तो उनका जो डायामीटर होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, जो हम नेक डाई से नहीं देख सकते उन पार्टिकल्स को। दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर नहीं करते अगर वो सॉल्यूशन से पास होती है, ठीक है ना। अगर इस सॉल्यूशन से हम बीम ऑफ लाइट को, मतलब इस पर लाइट डालें, लाइट की बीम, ठीक है, तो वो स्कैटर नहीं करेंगे उसके जो पार्टिकल्स हैं, मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, मतलब लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन में हम लाइट डालते हैं तो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट सिंपल सा, जैसे आप कई बार क्लासरूम्स में बैठे रहते हैं तो वहाँ पे विंडो लगी रहती है बाहर, तो उसमें क्या होता है, धूप जो आ रही होती है उसके अंदर आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो पार्टिकल्स क्या हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। वो कैसे शो करते हैं, क्योंकि हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है, वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर देते हैं। लेकिन अगर बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, ये नहीं कर पाते। तो सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। अगर हम सोच रहे हैं कि हम छान लेंगे छन्नी से कि सॉल्यूट पार्टिकल अलग हो जाएँ, कि जो चीनी घुल गई है उसके अंदर पानी के अंदर, ठीक है, वो अलग हो जाए, वो नहीं हो सकती इससे। सॉल्यूशन स्टेबल रहता है और सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते जब उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, कुछ हमारी डिफाइंस आ जाती हैं छोटी छोटी लेकिन अच्छी डिफाइंस है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जब नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व ना कर पाए सॉल्यूशन पर किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आपने क्या करा, चीनी ली, पानी में घोली, घुल गई, और डाली, फिर घुल गई, फिर और डाली, फिर भी घुल गई, लेकिन एक टाइम आएगा ऐसा वो घुलनी बंद हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, हीट करोगे इसको, तो और घुलनी चालू हो जाएगी, फिर और घुलनी चालू हो जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप कितनी भी हीट दे लीजिए उसको, पानी को, वो चीनी घुलेगी ही नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जब नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब कोई भी सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए सॉल्यूशन के अंदर, उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या है, जब घुल सके, जब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सके सॉल्यूशन में गिवन टेम्परेचर पर, उसे बोलते हैं हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी क्या है हमारी, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है गिवन टेम्परेचर पर, वो बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, वो होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन हम बोलते हैं एक तरह से मोलैरिटी को, या बोल सकते हैं मात्रा कितनी है, तो कितनी चीनी किसी सॉल्यूशन के अंदर है उस चीज़ को बोलेंगे मात्रा सॉल्यूशन की। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और कितनी सॉल्यूट, मतलब कितनी चीनी घुल सकती है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, मतलब किसी भी पानी के अंदर, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन के कुछ फॉर्मूले, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, और या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है। याद रखना सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में वो सॉल्वेंट। अमाउंट माने होता है मात्रा कितनी। अब 2 तरह से हम कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं, एक तो मास परसेंटेज से, कि ऊपर भी मास हो नीचे भी मास हो, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। फिर होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। ऊपर दोनों में सॉल्यूट रहेगा, नीचे दोनों में सॉल्यूशन रहेगा, अगर मास बाय मास है तो ऊपर मास नीचे मास,
और मास बाय वॉल्यूम है तो ऊपर भी वॉल्यूम फॉर्मूले में और नीचे ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम। अब हमने क्या पढ़ा, हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते लेकिन सस्पेंड रहते हैं थ्रू आउट द बुल्क ऑफ द मीडियम। जैसे हमारा सिंपल सॉल्यूशन था वो होमोजीनियस मिक्सचर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सस्पेंशन है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है एक तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल घुलते नहीं है। जैसे पानी के अंदर आप चौक डाल दो या फिर स्मोक इन द एयर, जो हवा में स्मोक धुआं होता है, ठीक है, ये जो हैं सारे किसके हैं, हमारे सस्पेंशन के हैं। और जो हमने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में पढ़ा कि पानी के अंदर रेत का होना, सैंड इन वाटर, वो भी सस्पेंशन है। अब प्रॉपर्टीज़ है सस्पेंशन की, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब जो पार्टिकल हैं सस्पेंशन के वो हमें नेक डाई से दिख जाते हैं, क्योंकि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स का साइज़ है, मतलब जो डायमीटर होता है, वो सिंपल हमारे किससे, सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है। मतलब एक तरह से वो शुरू में जो सॉल्यूशन था ना, वो ट्रू सॉल्यूशन था हमारा, तो इसमें जो साइज है पार्टिकल का, ये 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है सस्पेंशन में। ये अनस्टेबल मिक्सचर है, सॉल्यूट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप रेत को पानी में मिला दो तो वो रेत बहुत समय तक क्या होती है, वो नीचे ही जमी रहती है, तो इसलिए अनस्टेबल बोलते हैं। अगर सॉल्यूशन को पास करेंगे फिल्टर पेपर से तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि क्या है उसमें, फ़िल्टर पेपर में क्या होगा, जो लिक्विड है वो छन जाएगा और जो रेत रेत है वो फ़िल्टर पेपर पे इकट्ठी हो जाएगी। और ये इतने बड़े होते हैं, टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं, कि अगर इनके पार्टिकल्स पर लाइट पड़ती है तो उन्हें वो स्कैटर भी कर देते हैं। स्कैटर मतलब चारों डायरेक्शन में फैला देना, तो स्कैटर करते हैं लाइट को जब लाइट पास होती है सॉल्यूशन से, मतलब ये शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो अब तक हम दो तरह से पढ़ चुके हैं, एक सॉल्यूशन पढ़ चुके जिसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन था, वो उसके पार्टिकल के साइज बहुत छोटे थे। फिर पढ़ा सस्पेंशन सॉल्यूशन, क्या पढ़ा, सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन के साइज जो है बहुत बड़े थे। ठीक है, फिर तीसरा आएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन के बीच में होता है। मतलब एक तरह से समझ लो, तीन तरह के हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे छोटे हैं ट्रू सॉल्यूशन और सबसे बड़े हैं हमारे सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, और जो सब जो बीच में साइज रहता है हमारा पार्टिकल का, वो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। ठीक है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो वो बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल से ये छोटे रहते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल का साइज बिटवीन होता है, मतलब बीच में लाई करता है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के। जो शुरू में सॉल्यूशन था ना, वो ट्रू सॉल्यूशन था, उसके बाद हमने सस्पेंशन पढ़ा, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस था और सस्पेंशन क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस, और ये जो कोलाइडल है ये भी हमारा हेट्रोजीनियस है। अब जब हेट्रोजीनियस है तो ये कोलाइडल पार्टिकल भी आसानी से क्या कर देंगे, जो लाइट पड़ेगी विजिबल लाइट उसको स्कैटर कर देंगे, मतलब चारों डायरेक्शन में फैला देंगे, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल होगा। इसी चीज़ को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर भी टिंडल इफेक्ट होता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स कोलाइड के हम नहीं देख सकते नेक डाई से इंडिविजुअली, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से, लेकिन ऊपर वाले केस में क्या था, जो सस्पेंशन वाला था उसमें हम सेपरेट कर पा रहे थे फिल्टर पेपर से। इसमें साइज ऑफ पार्टिकल क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है ना, एक तरह से बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर से बड़ा, 100 नैनोमीटर से छोटा। ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज था पार्टिकल का वो 1 नैनोमीटर से छोटा था, और जो हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन था उसमें 100 नैनोमीटर से ज़्यादा था। इसमें एक तरह से 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है जो साइज है। ये स्टेबल मिक्सचर है, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते बॉटम में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सस्पेंशन में क्या था, उसमें सेटल डाउन हो जाते थे बहुत लंबे समय के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा लंबे समय के लिए सेटल डाउन नहीं होते नीचे। अब कुछ एग्जाम्पल हैं कोलॉइड्स के। ठीक है, अब जैसे हमने सिंपल अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें, वहाँ पे हम पढ़ते थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में हो वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में हो वो सॉल्वेंट। लेकिन इसमें सॉल्यूट को बोलते हैं, क्योंकि अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है कोलाइडल सॉल्यूशन वाला, इसमें हम क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर वाले में, हम सॉल्यूट को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, ऐसे ही डिस्पर्जन मीडियम भी हमारा सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। ठीक है, फिर उसके टाइप हैं और एग्जाम्पल हैं। इस तरह से याद रखना, ये कोलॉइड्स हैं, इसमें एग्जाम्पल जो आएंगे वो कोलाइडल सॉल्यूशन के ही आएंगे। अगर आप होमोजीनियस का एग्जाम्पल देते हो, जैसे अगर मैं कहूँ कि चीनी का घुलना पानी के अंदर, इसका मतलब हो गया सॉलिड इन वाटर, क्योंकि चीनी है सॉलिड,
घुल रही है पानी के अंदर, तो ये हो गया सॉलिड इन वाटर। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड बोल रहे हैं, वाटर बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो सॉलिड इन लिक्विड वाले केस में इस कोलाइड में हम एग्जांपल नहीं दे सकते चीनी का और पानी का, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें हमें जो एग्जांपल देना पड़ेगा, इसमें हमें एग्जांपल एक तरह से दे सकते हैं रेत का पानी में घुलना, क्योंकि वो हमारा क्या है, वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अभी मैंने बताया डिस्पर्स फेज होता है जो कम अमाउंट में हो, और डिस्पर्सिंग मीडियम जो ज़्यादा हो, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप हैं। अगर जैसे हम लिक्विड को घोलते हैं गैस के अंदर, किसको, लिक्विड को हम घोलते हैं गैस के अंदर, तो इसको बोलते हैं हम एरोसोल। क्या बोलते हैं, एरोसोल। इसके एग्जांपल है हमारा फॉग, क्लाउड, बादल या फिर मिस्ट। ठीक है ना, अब क्लाउड को मान लीजिए, क्लाउड जो है एक तरह से क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, वो गैस के अंदर मौजूद रहते हैं, मतलब हमारे एनवायरमेंट के अंदर, तो इसका एग्जांपल हो गया क्लाउड। ऐसे ही जो फॉग होती है, ठीक है, वो लिक्विड टाइप होता है और वो मौजूद रहता है हमारे एनवायरमेंट में, तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड इन गैस का, कि लिक्विड गैस के अंदर है, डिस्पर्स फेज माने जो कम मात्रा में है और डिस्पर्सिंग मीडियम वो ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो लिक्विड इन गैस हो या फिर सॉलिड इन गैस हो, इन दोनों को हम एरोसोल बोलते हैं। लिक्विड इन गैस के मैंने एग्जांपल बता दिए, फिर सॉलिड इन गैस इसको बोलते हैं एरोसोल, जैसे स्मोक, ठीक है, या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल से जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होता है। उसके बाद तीन है हमारे गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल होता है फोम, जैसे शेविंग क्रीम, जैसे शेविंग क्रीम। लिक्विड इन लिक्विड होता है इमल्शन, जैसे दूध, दूध के अंदर क्या होता है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल मौजूद रहता है, ठीक है ना, ऐसी फेस क्रीम, ठीक है ना, तो जो फेस क्रीम है वो भी लिक्विड है, और उसमें थोड़ा बहुत वाटर होगा वो भी लिक्विड है, तो ये भी ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया। सॉलिड इन लिक्विड को बोलते हैं सोल, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड हो गई हमारी, मतलब कीचड़, कीचड़ में पत्थर मौजूद रहते हैं, तो वो पत्थर किसके अंदर होते हैं, हमारे लिक्विड के अंदर। फिर तीन एग्जांपल हैं गैस इन सॉलिड के, कि गैस सॉलिड के अंदर मिली हुई है, लिक्विड इन सॉलिड के और सॉलिड इन सॉलिड के। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है फोम, मतलब जो टाइप है वो फोम होता है, इसके एग्जांपल है फोम या फिर रबड़, ठीक है, स्पॉन्जी, प्यूमाइस। लिक्विड इन सॉलिड का टाइप, लिक्विड इन सॉलिड को बोलते हैं हम जेल, जैसे जेली होती है, ठीक है ना, वो होती लिक्विड है, वो किसी सॉलिड के अंदर मौजूद रहती है, ऐसी चीज़, ठीक है, लिक्विड होता है वो किसी सॉलिड के अंदर मौजूद रहता है, मक्खन, ठीक है ना, ऐसी सॉलिड इन सॉलिड क्या होता है, इसे बोलते हैं सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन या फिर मिल्की ग्लास। तो सारे जो एग्जांपल हैं इस कोलॉइड के अंदर वो हमें हेट्रोजीनियस के देने हैं, कोई भी होमोजीनियस का एग्जांपल नहीं देना, ठीक है ना। तो लिक्विड इन गैस का मतलब समझ लीजिए कि लिक्विड को हम मिला रहे हैं किसके अंदर, गैस के अंदर। लिक्विड है कम मात्रा में और गैस है ज़्यादा मात्रा में, जो कम मात्रा में वो डिस्पर्स फेज, जो ज़्यादा मात्रा में वो डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसे मैंने एक बताया, जैसे अब देखें सॉलिड इन लिक्विड जिसको बोला गया है सोल, इसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इन्होंने इसमें ये नहीं दिया, ठीक है, कि इसका एग्जांपल है शुगर इन वाटर, क्यों, वो गलत हो जाता, वो होमोजीनियस मिक्सचर था। सैंड इन वाटर तो दे सकते थे। अब सेपरेशन है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर का, तो अलग अलग मेथड होते हैं सेपरेट करने के इंडिविजुअल कंपोनेंट को मिक्सचर से। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो हैं हमारे, वो सेपरेट होते हैं हमारे सिंपल फिजिकल मेथड से, जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। मतलब जैसे हमने होमोजीनियस मिक्सचर है, चीनी और पानी क्या होती है, हमने चीनी में पानी घोल, मतलब चीनी घोल दी पानी के अंदर, ठीक है, अब उन्हें अलग करना, ऐसे ही हेट्रोजीनियस में भी अलग करना। तो हेट्रोजीनियस में भी दो तरह के थे, एक थे सस्पेंशन वाले और एक थे कोलाइडल वाले, ठीक है ना। तो इनको अब हमें उनमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना है, बोल सकते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को हमें अलग करना है सॉल्यूशन के अंदर से। अब सबसे पहला है ऑप्टेन करना कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो इस केस में एवापोरेशन प्रोसेस यूज होती है। एवापोरेशन क्या होता है, सिंपल सा, जो लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के अंदर, ठीक है ना, हीट देने पर, या फिर सिंपल जो हमारे सनलाइट होती है उसकी हीट से। तो प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन को इस्तेमाल किया जाता है कलर्ड कंपोनेंट को निकालने के लिए ब्लू या ब्लैक इंक से। इंक ब्लू भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। जो प्रोसेस है एवापोरेशन की, वो यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए सब्सटेंस जो डिजॉल्व होता है पानी के अंदर। तो सिंपल सा आपको एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि अगर हमें ऑप्टेन करना है कलर कंपोनेंट ब्लू ब्लैक इंक में,
तो कौन सी प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एवापोरेशन। अगर डिटेल में आता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं ये किस फैक्ट पर बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है जो एवापोरेशन प्रोसेस है वो सेपरेट करती है सब्सटेंस को जो पानी में घुल जाए, तो पानी में घुलना नेसेसरी कंडीशन है, ऐसे सब्सटेंस को ही वो क्या करेगी, अलग करेगी। ये उस फैक्ट पर बेस्ड है कि लिक्विड वेपराइज हो आसानी से सॉलिड के मुकाबले, क्योंकि सिंपल सी बात है जो वेपर में लिक्विड आसानी से कन्वर्ट होता है सॉलिड के मुकाबले। अब एक बर्फ़ पड़ी है और एक पानी पड़ा है, तो भाप में कौन जल्दी कन्वर्ट होगा, वो पानी कन्वर्ट होगा गर्म होने के बाद, क्योंकि पहले बर्फ़ को लिक्विड बनना पड़ेगा फिर लिक्विड को उसे गैस बनना पड़ेगा। ये मदद करता है सेपरेट करने के लिए वॉलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस से। वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। तो इसकी कंडीशन ही ये थी, ठीक है ना, कि हम ऐसी चीज़ उसे पानी में घोल देते हैं, तो पानी का काम क्या है, वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वॉलेटाइल है, लेकिन जो एक तरह से क्या होगा जिसको हमें अलग करना है वो वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं, जब वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, तो वॉलेटाइल चला गया हमारा किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, और नॉन वॉलेटाइल आ गया हमारा नीचे। तो इस तरह सेपरेट हो गए, और जो वेपर में कन्वर्ट हुए आप उसे अलग भी कर सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, इन्होंने हीट दे रहे हैं इसे, ठीक है ना, बीकर ले रखा है एक, तो बीकर के अंदर पानी भर रखा है और साथ के साथ ही एक ऐसा सब्सटेंस डाल रखा है जो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है ना, आप इंक मान सकते हो उसको। और फिर ये वॉच ग्लास है, ये हमें देखने में काम आ रहा है, ठीक है, ये इंक है और ये वेपर है, ठीक है ना, इस तरह आपको ये दिखा रखा है डायग्राम, ठीक है ना। तो बस ये जो बीकर है इसके अंदर पानी है, ठीक है ना, इंक तो अलग से ले रखी है इन्होंने वॉच ग्लास के ऊपर, तो बीकर है, ठीक है, उसमें पानी भर रखा है, उसे हम हीट देना चालू कर रहे हैं, वॉच ग्लास रख रखा है, ठीक है, और वॉच ग्लास के ऊपर इंक रख रखी है, और फिर ये पेपर्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो बीकर को आधा भर दो पानी से सबसे पहला स्टेप, फिर एक वॉच ग्लास रख दो बीकर के ऊपर, जैसे इन्होंने एक वॉच ग्लास रख दिया, फिर कुछ ड्रॉप डाल दो इंक की, फिर इन्होंने इंक की ड्रॉप डाल दी उस वॉच ग्लास पर, वॉच ग्लास का मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, हम देख सकते हैं, मतलब पानी को भी अंदर और उसको भी। अब स्टार्ट कर दो इस बीकर को हीट करना, तो हमें वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, मतलब हम इंक को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे, तुम देखोगे एवापोरेशन होगा वॉच ग्लास से, एवापोरेशन का मतलब जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा किस में, गैस के अंदर। कंटिन्यू हीटिंग करो एज द एवापोरेशन गोज अप गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग, और हीटिंग रोक दो जब तुम्हें कोई चेंज ना दिखाई दे वॉच ग्लास में, ठीक है ना। तो इस तरह ये प्रोसेस हमारी होती है। तो अगर कोई भी एक मार्क्स में आ जाए कि इस तरह हम सेपरेट कर सकते हैं ब्लू या ब्लैक इंक को, तो हम कर सकते हैं एवापोरेशन की प्रोसेस से। अब अगर हमें मिल्क से क्रीम को अलग करना है, ठीक है ना, दूध में क्रीम होती है तो उसे अलग करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, एक मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है वो इस्तेमाल की जाती है सेपरेट करने के लिए क्रीम को मिल्क से। ये मेथड है सेपरेट करना सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड के अंदर से जो पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग करना, मतलब जो क्रीम के पार्टिकल्स हैं। ये प्रोसेस जो है एक मशीन के द्वारा होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग, क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग, जैसे आप मक्खन निकालते हैं, ठीक है ना। कई बार जो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में बहुत छोटे छोटे होते हैं जो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, किससे पास हो जाते हैं, फिल्टर पेपर से, मतलब फ़िल्टर पेपर क्या होता है, एक छन्नी टाइप का होता है, उससे कुछ पार्ट अगर वो पार्टिकल छोटे हैं वो तो पास हो जाते हैं, थोड़े बड़े हैं तो नहीं हो पाते, ठीक है ना। फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ नहीं की जा सकती, मतलब कुछ पार्टिकल तो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं लेकिन कुछ होते हैं वो नहीं हो पाते, तो उनके लिए जो नहीं हो पाते वो फिल्टर टेक्निक यूज़ नहीं की जा सकती छान के। तो ये इस मिक्सचर को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं रैपिडली। तो हम कर क्या रहे हैं, हम क्रीम को अलग कर रहे हैं मिल्क के अंदर से, तो वो जो झग्गा टाइप होता है या फिर हम कई बार मिक्सी से भी मक्खन निकाल लेते हैं, तो क्रीम को अलग करना है हमें, तो रोटेट करते हैं उस मिक्सचर को बहुत तेज़ी से, ताकि हैवियर पार्टिकल जो है मिक्सचर में वो नीचे सेटल हो जाएँ, क्या हो जाएँ, नीचे सेटल हो जाएँ। और जो बेसिक प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन की वो ये होती है कि डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम, जो भारी चीज़ होती है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है और जो लिक्विड होता है हल्का वो ऊपर रह जाता है, ठीक है ना। तो जैसे आपने अगर कई बार मक्खन निकालते हुए देखा हो घर में, तो क्या करते हैं उसमें सिंपल सा वो हम उसको रोटेट कराते हैं, फिर जो लस्सी टाइप होती है वो ऊपर आ जाती है, उसको हम अलग कर लेते हैं और जो मक्खन है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो इस तरह से आपकी क्रीम अलग हो जाती है किससे, मिल्क से। अब स्टेप्स क्या हैं सेपरेट करने के क्रीम फ्रॉम मिल्क, वो तो चलो मैंने आपका अलग एग्जांपल बता दिया जिसमें मैंने मलाई में से मक्खन निकाल दिया, ठीक है। मेन काम है इसमें हमें मिल्क से निकालनी है क्रीम को, तो फुल क्रीम लो कुछ एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है ना।
अब उसे सेंट्रीफ्यूग कर दो एक सेंट्रीफ्यूग मशीन से 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन क्या है, ज़रूरी नहीं है कि केवल हम क्रीम में से मतलब दूध में से क्रीम ही निकाल लें, और भी बाकी चीज़ होती हैं, जैसे डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए इसी मेथड का, डेरीज़ में और घरों में इस्तेमाल किया जाता है जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, बटर निकालने के लिए क्रीम से, ठीक है ना, क्रीम एक तरह से मलाई बोल सकते हैं आप, और वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल किया जाता है स्क्वीज़ आउट करने के लिए वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, तो जो गीले कपड़े होते हैं उन्हें निकालने के लिए या उन्हें स्क्वीज़ आउट करने के लिए। अब है अलग करना दो इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल का मतलब है कि एक दूसरे में वो घुलेंगे नहीं, ऐसों को अलग अलग करना। तो ये किसकी मदद से होते हैं, एक फ़नल की मदद से। फ़नल क्या होता है, जो आपने देखा होगा कई बार, जो मिट्टी के तेल को छानने वाली एक कुप्पी टाइप होती है, ठीक है ना, उसकी वजह से, उसकी मदद से। अब इस किस प्रिंसिपल पे बेस काम करता है, तो ये काम करता है कि डेंसिटी में फ़र्क होना चाहिए दो लिक्विड की, और वो दो अलग अलग लेयर बनाएं। जैसे सेपरेट करना केरोसिन ऑयल और वाटर को, अगर आप केरोसिन ऑयल में से पानी मिला हुआ है दोनों को आप अलग करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक सेपरेट फनल में डाल लो मिक्सचर को केरोसिन और वाटर के, अब उसे ऐसी छोड़ दो कुछ देर के लिए, तो ऑयल और वाटर की क्या होगी, सेपरेट लेयर जब अलग जम जाए, मतलब सेपरेट लेयर हो जाएगी, कि एक जगह ऑयल इकट्ठा हो जाएगा और एक जगह क्या इकट्ठा हो जाएगा, हमारा पानी, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा जो हमारा ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरता ही है, जैसे दूध के ऊपर भी ऑयल तैरता है, तो ऊपर लेयर बन जाएगी ऑयल की, नीचे लेयर हो जाएगी पानी की। फिर अब क्या होगी कि स्टॉप कॉक लगाएंगे हम उस फनल में, ठीक है ना, सेपरेटिंग फनल की, और लोअर लेयर जो है पानी की केयरफुली हम उसे निकाल लेंगे, ठीक है ना, जैसे टंकी टाइप सपोज़ कीजिए मयूर जगह, ठीक है, उसमें ही डाल दिया आपने, उससे ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो केरोसिन ऑयल और पानी का हमने मिक्सचर डाल दिया, तो पानी तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा केरोसिन ऑयल ऊपर, फिर आप उस मयूर जग को ओपन करो, पानी निकालते रहो निकालते रहो, जैसे ही वो ऑयल की लेयर आए उसको बंद कर दो, फिर क्या होगा, पानी आपका अलग बर्तन में आ जाएगा और जो हमारा केरोसिन ऑयल है वो मयूर जग के अंदर रह जाएगा, इस तरह समझ लो। एक फनल टाइप जो होती है उसमें ऐसी प्रोसेस को लेते हैं, उसमें भी एक स्टॉप कॉक लगी रहती है टंकी टाइप मान लो आप, फिर उस स्टॉप कॉक को बंद कर दो सेपरेटिंग फनल की, ऑयल जो है स्टॉप कॉक के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब इसकी फनल क्या है, ऑयल और वाटर को सेपरेट करना इसकी एप्लीकेशन, और एक्सट्रैक्ट करना आयरन को उसके ओर से, उसमें क्या होता है जो लाइटर स्लैग है उसे रिमूव कर देते हैं टॉप से, ठीक है ना, और जो मोल्टन आयरन है पिघला हुआ आयरन वो नीचे इकट्ठा हो जाता है फर्नेस के अंदर। अब हमारा सब्लिमेशन क्या है, तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन की ये जो प्रोसेस है इस्तेमाल की जाती है सेपरेट करने के लिए मिक्सचर जो कंटेन करता है सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमाइल इम्प्योरिटी, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसके अंदर, गैस के अंदर, अगर हो रहा है ऐसा तो वो सब्लिमेशन है, नहीं हो रहा तो वो नॉन सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चीज जाता है हीट करने में, जैसे कपूर। अब अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर मतलब कपूर है, नेपथलीन है और एंथ्रासीन है, ये एग्जाम्पल हैं जो सब्लिमाइज होते हैं, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस के अंदर, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। अब इसमें करा क्या गया है, इन्होंने क्या करा है, एक स्टैंड टाइप लिया है, ठीक है, एक बर्नर लगा दिया है और एक चाइना डिश ली है, ठीक है। चाइना डिश के अंदर क्या रख रखा है इन्होंने, अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिक्सचर को रख रखा है। अभी मैंने बताया अमोनियम क्लोराइड जो है ये एग्जांपल है सब्लिमेशन का, कि ये जो है अगर इसे हीट करेंगे तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर एक इन्वर्टेड फनल जो है इसके ऊपर रख रखी है, ठीक है, और इन्वर्टेड फनल ऊपर से बंद कर रखी है कॉटन लगाकर। अब क्या होता है, जब आप अमोनियम क्लोराइड और नमक के मिक्सचर को हीट करते हैं, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है, सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन परफॉर्म करता है, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो नमक है हमारा सब्लिमेशन परफॉर्म नहीं करता, वो नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है, तो नमक वहीं रह जाएगा और जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो उसकी वेपर्स जो हैं बन जाएंगी, ठीक है ना, फिर ऊपर जाके वो चाहे कैसे भी सॉलिडिफाइड हो जाए थोड़ा सा हीट होके, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा क्योंकि वो वेपर बन गई उसकी और ऊपर इकट्ठा हो गया वहाँ पे कुप्पी में ही फनल के अंदर, और नमक क्या है वो वहीं रह जाएगा। तो इस तरह हमने क्या करा, सब्लिमेबल और नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस को हमने अलग कर लिया। अब है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। इसमें सेपरेट करते हैं ऐसे सॉल्यूट जो सेम सॉल्वेंट में घुल जाएँ, ठीक है ना, तो ऐसे कोई भी सॉल्यूट, दो हो सॉल्यूट या उससे ज़्यादा हो, जो एक ही चीज़ में घुल जाएँ,
ठीक है ना, एक ही सॉल्वेंट में। ये कलर्स को सेपरेट करने में काम आता है, ठीक है ना। कोई भी एक अगर मिक्सचर है कलर का हमारा, ठीक है, तो उसको उसमें से अगर हमें कलर्ड कंपोनेंट निकालने हैं, सपोज़ कीजिए उसमें दो कलर हैं उस मिक्सचर के अंदर, ठीक है ना, तो उनको उन कलर्स को अलग अलग करना, ठीक है ना। सपोज़ कीजिए एक कोई भी कलर है वो बना हुआ लाल और पीले से, तो उसके अंदर से लाल कलर को निकालना और पीले कलर को निकालना अलग अलग, वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रिंसिपल है कि जो कलर ज़्यादा घुलता है पानी के अंदर वो तेज़ी से राइज होता है और सेपरेट होता है लेयर के अंदर। मतलब हम फिल्टर पेपर लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं, फिल्टर पेपर। उसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमने एक इंक का स्पॉट डाल दिया, अब वो इंक मान सकते हैं वो दो कलर से बनी है, ठीक है ना। तो क्या होगी, जो कलर क्या होगा, जो ज़्यादा पानी में घुलता है वो तो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, ठीक है, और जो कलर क्या होगा कम होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब सिंपल सा क्या करा हमने, एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लिया, ठीक है, और एक लाइन पेंसिल से ड्रॉ करी, ए वाले जो डायग्राम में दिखा रहा है उस पर स्पॉट ऑफ इंक डाला। उसके बाद हमने दूसरे वाले डायग्राम में क्या करा, बी वाले में, उसको हमने पानी में डाल दिया, ठीक है, स्पॉट ऑफ इंक को। तो और ग्लास रॉड ले रखी है, पेपर क्लिप्स ले रखी हैं, जार ले रखा है, मतलब जिसके अंदर डाल रखा है। अब क्या होगा, एक कलर तो ऊपर की तरफ जाएगा उस फिल्टर पेपर में, ठीक है ना। जैसे आप कागज़ को पानी में डुबोते हैं, मतलब कागज़ लिया आपने कोई भी, उस पर इंक डाल दी, उस पर एक लाइन पेंसिल से खींच दी, फिर उसे पानी में डुबो दो, तो क्या होगा, एक कलर जो है ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ रहेगा थोड़ा सा, मतलब जाएंगे दोनों ही ऊपर की तरफ, लेकिन ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा जो पानी में ज़्यादा घुलता है, और जो कम घुलता है वो थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा। फिर क्या होंगे, जैसे लाल कलर और पीले कलर से बना है तो लाल कलर ऊपर चला जाएगा, पीला कलर नीचे, फिर आप कैंची से काट के दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो डाई को सेपरेट करने के लिए काम आता है ब्लैक इंक में, क्रोमेटोग्राफी। अब एप्लीकेशन क्या है, कलर को सेपरेट करना डाई में से, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, या फिर ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है ना, हमारे ब्लड के अंदर जो ड्रग्स घुल जाते हैं उसको अलग करना। अब डिस्टिलेशन क्या है, अब जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ये तो जो दो मिक्स हो जाते हैं लिक्विड एक, ठीक है ना, उनको सेपरेट करने के काम आती है। तो ये यूज़ की जाती है सेपरेशन के लिए, ऐसे कंपोनेंट मिक्सचर के जो दो मिसिबल लिक्विड हों, मतलब जो एक दूसरे के अंदर घुल जाएं, ठीक है ना, और जो बॉयल हों बिना डिकम्पोजिशन के, जिनको अगर हम उबालें तो उनका डिकम्पोजिशन ना हो, वो टूटे ना, और एक सफिशियंट डिफरेंस हो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में। मतलब अगर एक उबलता है 50 डिग्री, एक अगर उबलता है 120 डिग्री पर तो दूसरा उबले 110 डिग्री पर, तो कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट में दोनों में डिफरेंस हो दोनों कंपोनेंट्स का, ठीक है ना। तो अब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस का मतलब क्या है, इसमें हीट तो आपको ज़रूर देनी पड़ेगी। तो इसमें हमने क्या करा है, एक डिस्टिलेशन, ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है, ठीक है, और उसके अंदर एसीटोन और पानी का मिक्सचर लिया है। एसीटोन और पानी के मिक्सचर का मतलब है एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं, उसे हम हीट भी कर रहे हैं। नीचे से देखिए आपने, हमने हीट भी दे रखी है, ऊपर हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर थर्मामीटर भी लगा रखा है, और उसको हमने कनेक्ट कर रखा है क्लैंप से, ताकि वो गिर ना जाए, क्या होना हो जाए, गिर ना जाए। फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क के साइड में से, ठीक है ना, एक क्या जा रहा है, एक क्लैंप है पूरा, मतलब एक ट्यूब टाइप और जा रही है, जिसमें क्या क्या लगा हुआ है, वाटर आउटलेट लगा हुआ है, क्लैंप है, पानी उसके अंदर फ्लो करता है, ठीक है ना, ठंडा पानी फ्लो करता है उसके अंदर, मतलब वाटर कंडेंसर का काम हो रहा है उस जगह, पानी को ठंडा करने का काम, और फिर एसीटोन अलग हो जाता है। तो इस तरह से हम कर रहे हैं, और एक तरफ से कोल्ड वाटर निकलता है, ठीक है ना। तो जो एंड पॉइंट है इसका, याद रखो, जहाँ पे आपको दिख रहा है एसीटोन और एक कोल्ड वाटर इन, मतलब कोल्ड वाटर उसमें से भरने का काम आता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, ठीक है ना, हमें एक तरह समझ लो, हमें एसीटोन और पानी है वो घुल गए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एसीटोन को उसमें से अलग करना है, पानी, मतलब पानी अलग कर दो कैसे भी निकाल दो, और एसीटोन चाहिए हमें, ठीक है ना। तो एसीटोन हमें कैसे मिलेगा, तो हमने बस क्या करा, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हमने एसीटोन और पानी का मिक्सचर डाल दिया, क्योंकि वो घुले हुए एक साथ मिक्सचर है, उसे हीट करा। अब जब हीट करने पे क्या होगा, वेपर्स बनेंगी, वो जाएंगी ऊपर की तरफ, ठीक है ना, जहाँ थर्मामीटर है। अब वो वेपर्स क्या होंगी, इधर एंटर करेंगी राइट साइड में, ठीक है ना। अब जहाँ वहाँ पे अब ठंडा पानी दिया हुआ है हमने, वाटर कंडेंसर है, ठीक है, जहाँ से कोल्ड वाटर अंदर जा रहा है। अब वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है जब टेम्परेचर देते हैं तो वो चीज़ क्या होती है, लिक्विड से बनेगी वेपर। अब उल्टी प्रोसेस होगी, यहाँ पे वो वेपर्स ठंडे पानी के पास आएंगी, तो वेपर्स जब ठंडी होंगी तो वो लिक्विड बन जाएंगी अलग, और वो लिक्विड क्या होगा, वो पानी, वो होगा एसीटोन, ठीक है। फिर लास्ट में हम एसीटोन को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो क्योंकि अब आप कहेंगे कि पानी कहाँ गया,
क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए दोनों के। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो एसीटोन क्या होता है, एसीटोन की वेपर बन जाती है स्टार्टिंग में, ताकि चाहे आप बाद में बंद कर दो, जब एसीटोन सारा वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, आप ठीक है ना, क्या करो उस बर्नर को बंद कर दो हीट चलने को, तो बस क्या होगा, एक तरह से आपकी एसीटोन्स की वेपर बनेंगी और वो ठंडे पानी से जब पास होंगी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी दोबारा, वो लिक्विड एसीटोन होगा और वो हम कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमने एसीटोन को अलग कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, केवल एसीटोन ही वेपर में कन्वर्ट हुआ था। अगर पानी भी हो जाता, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता, तो हम ऐसे कर ही नहीं सकते इसको अलग। तो एसीटोन और मिक्सचर का, जो एसीटोन और पानी का मिक्सचर है वो किससे सेपरेट होता है, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा डिस्टिलेशन से। डायग्राम अगर थोड़ा बड़ा आ जाए तो आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो पूरी एक्टिविटी के साथ। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट करता है मिक्सचर को दो और दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड के, ये भी करता है दो और दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड। लेकिन डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या फ़र्क है, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 25 केल्विन से कम हो, उसमें 25 केल्विन से ज़्यादा हो सकता था, ठीक है ना। मतलब अगर एक का 100 केल्विन हो तो दूसरे का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 124 केल्विन हो, मतलब 25 से कम ही हो। अब एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है और वो सेपरेट हो सकती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है जो शो करता है सेपरेशन ऑफ एयर, जैसे एयर है, ठीक है, उसे क्या करो, कंप्रेस करो और कूल करो, प्रेशर इंक्रीज कर और डिक्रीज करके टेम्परेचर। तो जब एयर को आप कूल करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो लिक्विड एयर हो जाएगी। अब उसे वार्म अप करो, मतलब गर्म करो धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। अब गैस जो है अलग अलग हाइट पे सेपरेट होंगी, क्या होंगी, अलग अलग हाइट पर सेपरेट होंगी, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड एयर बन चुकी है। अब लिक्विड एयर में, जब लिक्विड एयर को आप हीट करोगे तो क्या होगा, उसमें कंपोनेंट होंगे अलग अलग, जैसे ऑक्सीजन भी होगा, आर्गन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, ठीक है ना, इस तरह से होंगे। बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होंगे उसके, ठीक है ना, किसी का 183, किसी का -183, किसी का -186, किसी का -196, सब में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 से कम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन इस तरह से ही हमारी क्या होंगी, सेपरेट हो जाएंगी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, सबसे कम होगा, वो क्या होगी, पहले उसकी वेपर बन जाएगी, ठीक है ना, फिर वही वाला काम कर लेंगे जैसे हमने डिस्टिलेशन में करा था, उसे ठंडे पानी से पास करेंगे, अलग हो गई, ऐसे ही फिर अलग दूसरी वाली हमारी वो आ जाएगी गैस, ठीक है ना, वो पेपर बनेंगे, उसको ठंडे पानी से पास करेंगे, वो अलग हो जाएगी, ऐसे ही तीसरी गैस आ जाएगी। तो इस तरह से हम गैस को सेपरेट कर लेते हैं। तो एयर कंप्रेस करते हैं, एयर को हम कंप्रेस करते हैं प्रेशर इंक्रीज कर और फिर उसे कूल कर टेम्परेचर को घटा कर, पहले लिक्विड एयर बना लेते हैं उसे, बस टेम्परेचर कम कर, क्योंकि जब हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें टेम्परेचर घटाना पड़ता है। अब लिक्विड एयर को वार्म अप करेंगे, जैसे आपने ये दे रखा है, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, उसमें मिक्सचर दे रखा है, ठीक है ना, गैसेस का मिक्सचर है इसमें, और फिर आपने क्या कर रखा है, कॉर्क लगा रखा है, फिर उसके ऊपर क्या कर रखा है, एक ट्यूब टाइप और लगा रखी है, ठीक है ना, उसके ऊपर कॉर्क लगा रखा है, थर्मोमीटर लगा रखा है, ठीक है, नीचे से हीट भी दे रहे हैं, और बाकी पहले जैसे उसमें था, ठीक है ना। तो ये बस एक्स्ट्रा इसमें फ्रैक्शनल कॉलम जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है, फ्रैक्शनल कॉलम। फिर हमारे पास क्लैंप है जिससे अटैच है पूरा, फ्रैक्शनल कॉलम जुड़ा हुआ है। फिर ऊपर थर्मामीटर के पास से इधर वही ठंडा पानी हम दे रहे हैं, और प्योर लिक्विड कंपोनेंट अलग होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हमने उसको लिक्विड एयर में बना लिया, किसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, एयर को लिक्विड एयर में, फिर उसके अंदर डाल देंगे हम, फिर उसे हीट करेंगे स्लोली, फिर वो कहाँ जाएगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क से वेपर बन के, ठीक है ना, क्योंकि सारी गैस थोड़ी एक साथ जाएंगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो जाएगी पहले, तो वेपर बन के वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ से जाएगी फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर, ठीक है ना। फ्रैक्शनल कॉलम के बाद क्या होगा, फिर वाटर कंडेंसर है, वो जब वेपर बन गई दोबारा, मतलब फिर क्या होगा, वो ठंडे पानी से जब पास होगी तो वो क्या होगी, दोबारा से क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, फिर हमें लिक्विड की फॉर्म में वो मिल जाएगी, वो गैस जो है, ठीक है ना, बाद में आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैस को सेपरेट करने के लिए काम आता है एयर से, क्योंकि एयर जो है मिक्सचर होता है बहुत सारी गैस का, नाइट्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ज़्यादातर देखिए आपके सिलेंडर में कितनी यूज़ हो, मतलब ऑक्सीजन जो है, जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है वहाँ पे जो पेशेंट है उनके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो प्योर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है नहीं हमारे नेचर में, क्योंकि 21% केवल ऑक्सीजन मौजूद है, और नाइट्रोजन है 78%, ठीक है ना, नाइट्रोजन चिप्स वगैरह के अंदर भरी जाती है। तो आपको हर गैस की ज़रूरत होती है और हर गैस का अलग अलग रोल होता है, ठीक है ना। तो लिक्विड फॉर्म में हम निकाल लेते हैं उसको, सेपरेट कर लेते हैं। तो मेथड का नाम था ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये इम्प्योरिटी को रिमूव करता है,
इम्प्योरिटी मतलब जो गंदगी टाइप होती है सॉलिड में से, और उसे प्योरीफाई करता है और प्योर सॉलिड को सेपरेट करता है मिक्सचर से क्रिस्टल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और इसीलिए इस मेथड का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है प्योरीफिकेशन के लिए, नमक कि नमक को प्योर करना सी वाटर से, क्योंकि सी वाटर में नमक होता है लेकिन वो प्योर नहीं होता, तो प्योर हमें नमक मिले। सेपरेट करना क्रिस्टल्स को एलम के, जो फिटकरी होती है इम्प्योर सैंपल्स के अंदर की, सिर्फ फिटकरी निकालना, क्योंकि जब कोई क्रिस्टल्स निकलेंगे उसमें क्या होती है मिट्टी टाइप भी हो सकती है, तो आप केवल उस फिटकरी के ही क्रिस्टल्स निकालना। ये एवापोरेशन से बेहतर मेथड है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि सॉलिड डिकम्पोज होता है जैसे कि शुगर चैड होती है हीटिंग में जब उसे ड्राई करते हैं, और कुछ इम्प्योरिटी वो सॉल्यूशन में खुली रहती हैं फिल्ट्रेशन के बाद भी, मतलब जब आप छान रहे हैं उस चीज़ को तो कुछ इम्प्योरिटी फिर भी उसके अंदर होती हैं, ठीक है ना। ऑन एवापोरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड, ठीक है ना। और क्योंकि जब आप छन्नी से भी छानते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा शिकंजी भी अगर छानते हैं, कुछ भी छानते हैं, तो कुछ इम्प्योरिटीज़ फिर भी उसमें रह जाती हैं, ठीक है ना। और जब एवापोरेशन होगा तो वो सॉलिड को कंटेमिनेट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें हम कर क्या रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन में हम इम्प्योरिटी सॉलिड से रिमूव कर रहे हैं। जैसे नमक है सॉलिड है, ठीक है ना, नमक को ऑब्टेन करना सी वाटर से। अब ये सिंपल बस वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है जिसमें वाटर वर्क करता है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं? ऐसी प्रोसेस जिसमें केवल चेंजेस आए फिजिकल प्रॉपर्टी में और कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, वो होते हैं फिजिकल चेंज। और ऐसी प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बने और केमिकल प्रॉपर्टी सब्सटेंस की चेंज हो, वो होते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज के क्या एग्जांपल है? जैसे चेंज आना कलर के अंदर, हार्डनेस के अंदर, रिजिडिटी, रिजिड माने होता है ठोस, फ्लूडिटी, टेंडेंसी टू फ्लो, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, इसमें अगर फ़र्क आ रहा है तो वो फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज के एग्जांपल है ओडर, सुगंध, इन्फ्लेमेबिलिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस है, फिजिकल केमिकल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल चेंज में केवल चेंज आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे फिजिकल स्टेट, शेप, साइज, और केमिकल चेंज में चेंज आता है केमिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल चेंज में कोई भी चेंज नहीं आता केमिकल कंपोजिशन में, लेकिन केमिकल चेंज में चेंज आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल प्रॉपर्टी रिवर्सिबल है, क्या है? रिवर्सिबल मतलब एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल हो सकती हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज है वो क्या है? इरिवर्सिबल है। अगर एक बार हो गया, ठीक है ना, तो आप उसको दोबारा से सही नहीं कर सकते। जैसे लोहे पे जंग लग गया, ठीक है ना, तो वो आयरन क्या होता है? बर्बाद ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे आयरन से आपने बनाया आयरन ऑक्साइड, तो आप उसको दोबारा से नहीं कर सकते, मतलब दोबारा नहीं बन सकता। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, जैसे स्टेट का चेंज होना भी क्या है? हमारा फिजिकल चेंज है। जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट करने पे, फिर लिक्विड को क्या करो, कूल कर दो फ्रिज में रख के, वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिजिकल चेंज है। सो इस फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। और कई बार आ जाता है कि ऐसा एग्जांपल बताओ जो फिजिकल चेंज भी हो जिसमें और केमिकल चेंज भी हो, वो होता है बर्निंग ऑफ कैंडल, जो मोमबत्ती का जलना। अब प्योर सब्सटेंस के टाइप हैं, प्योर सब्सटेंस दो तरह के हैं, एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड। तो जो हमारा लेवोइजर है, जिसे हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर, तो उसने एलिमेंट को डिफाइन करा कि एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म है मैटर की, जिसको हम तोड़ नहीं सकते छोटे छोटे सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन। तीन टाइप हैं इसके, मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड है। मेटल क्या होते हैं? जो लस्टर हों, जिनमें चमक हो, सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल, ठीक है ना, जैसे वायर्स टाइप होती हैं एल्यूमिनियम की या जो भी। डक्टाइल होते हैं, ठीक है, कि आप इनसे वायर बना सकते हैं। मैलिएबल होते हैं, एक एक वर्ड में आ जाता है कि इसको हम हथौड़े से तोड़ तोड़ कर पतली पतली शीट्स में डिवाइड कर सकते हैं, थिन शीट्स के अंदर। सोनोरस होते हैं, ठीक है ना, जैसे कड़ा है आप अगर शीट में मारोगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी, रिंगिंग साउंड देते हैं जब उसे हिट करें, जैसे घंटा भी बजाते हैं मंदिर के अंदर। एग्जाम्पल है मेटल के, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी। ज़्यादातर जो रूम टेम्परेचर मतलब जो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ज़्यादातर जो मेटल है वो सॉलिड ही होते हैं, केवल मरकरी को छोड़ के। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब नॉन मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसमें वैरायटी ऑफ कलर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, नॉट लस्ट्रस होता है मतलब चमकदार नहीं है, सोनोरस भी नहीं है, मैलिएबल भी नहीं है,
नॉन मेटल के एग्जांपल है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, कार्बन में हमारा कोयला आ जाता है, कोक आ जाती है। अब हमारे मेटलॉइड हैं, तो मेटलॉइड क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती हैं, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है ना। अब हमारे कंपाउंड्स क्या हैं, तो कंपाउंड एक सब्सटेंस है तो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनाओ, केमिकली कंबाइन हो एक साथ फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब रेशियो सेम हो। अब मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस ज़्यादातर पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में। मिक्सचर क्या है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स होते हैं और एक मिक्सचर बनाते हैं, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, जैसे चीनी में पानी का घुल जाना। कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट होकर नया कंपाउंड बनते हैं, जैसे सोडियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट कराता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है जो कि नमक है। मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होता है और जो कंपोजिशन है हर नए सब्सटेंस का फिक्स होता है हमारा किसमें, कंपाउंड्स के अंदर। मिक्सचर शो करता है प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की, लेकिन कंपाउंड में नया सब्सटेंस टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो नया सब्सटेंस बनेगा हमें, जैसे सोडियम की और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना, तो सोडियम क्लोराइड की अलग ही प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, सोडियम और क्लोरीन से। और मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं आसानी से फिजिकल मेथड से, और कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, मतलब जो कंपाउंड है, वो सेपरेट होते हैं केवल केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। तो केवल आपने इस चैप्टर में मिक्सचर को सेपरेट करना सीखा, कंपाउंड्स को सेपरेट करना नहीं सीखा, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर ही एंड होता है। थैंक यू गाइस।